महिला दिवस के मौके पर आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री के द्वारा जिक्र किया जा रहा था। चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी उसका रुख कर लेते हैं। जालौन से बड़ी खबर है, मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 10 मार्च को आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन मतगणना स्थल पर प्रशासनिक अमला भी पहुंच रहा है। इसमें डीएम प्रियंका निरंजन ने जायजा लिया है। नवीन गल्ला मंडी में मतगणना स्थल बनाया गया है, जहां पर जिलाधिकारी पहुंची हैं मतगणना स्थल का जायजा लेने के लिए। तो 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे, लेकिन मतगणना की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। और ऐसे में जहां जहां भी ये काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं उनका जायजा जिला प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में डीएम प्रियंका निरंजन पहुंची हुई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं उनके द्वारा ये जायजा लिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब जिलाधिकारी के द्वारा मतगणना स्थलों का निरीक्षण हो रहा है। और इसी कड़ी में जालौन की जिलाधिकारी खुद पहुंची हैं, जहां पर उनके द्वारा मतगणना स्थल का जायजा लेते हुए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको और मुकम्मल करने के निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे अधिकारियों को निर्देशित करती हुई जिलाधिकारी यहाँ पर साफ नजर आ रही हैं। हमने रैंडमाइजेशन के माध्यम से कार्मिक लगाए हैं तीनों विधानसभाओं में। प्रत्येक विधानसभा में हमने 76 कार्मिक लगाए हैं, 14 EVM काउंटिंग टेबल पर और 2 पोस्टल बैलेट काउंटिंग टेबल पर। इसके अतिरिक्त VTPS की स्कैनिंग के लिए 3 टेबल लगाई गई हैं और RO की भी 1 टेबल लगाई गई है। एक्सेल शीट और साथ ही साथ ऑनलाइन रीडिंग भी इनपुट पर प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक काउंटिंग डिक्लेरेशन के साथ की जाएगी। एजेंटों तक कैसे जानकारी पहुँचेगी, जिससे मीडिया तक कैसे जानकारी पहुँचेगी? प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक प्रत्याशी का हमने एक मतगणना अभिकर्ता भी नियुक्त किया है, जिसके लिए डबल डोज वैक्सीनेशन और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है। 12 घंटे पहले से अपना लेकर आएंगे और हर टेबल पर हमने मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। जो भी हमारा काउंटिंग सुपरवाइजर है वो उस टेबल की एक चक्र की गणना के पश्चात सभी संबंधित मतगणना अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर कराते फिर आरओ टेबल पर जानकारी को दीजिएगा, जहाँ पर प्रत्याशी एवं उसका इलेक्शन एजेंट स्वयं मौजूद रहेंगे और उसके कंपाइलेशन के बाद आरओ उस प्रपत्र पर संबंधित प्रत्याशियों से हस्ताक्षर कराएंगे, तब इनको फीडिंग के लिए।